सो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मनिंदर भट्टर को तो आप सब जानते ही होंगे, उनका सखियां सॉन्ग तो आप सबने सुना होगा। सो उन्होंने एक एल्बम ड्रॉप की थी रिसेंटली, जिसका नाम था #जुगनी माई फर्स्ट एल्बम। उसी के प्रमोशंस के वक्त उनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज हुए, जिसमें एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत बड़ी चीज रिवील करी योयो हनी सिंह पाजी को लेकर। उन्होंने बताया कि उनका एक और एल्बम आने वाला है, जिसमें 6 गाने होंगे और वो सारे गाने कोलैबोरेशंस होंगे उनके फेवरेट आर्टिस्ट के साथ, जिनको वो ज्यादा सुनते हैं, जिनमें योयो हनी सिंह पाजी भी एक नाम है। तो पहले आप वो वीडियो खुद देख लो। ग्रेट, एंड लास्टली आई वांट टू आस्क यू कि हम व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इन द कमिंग टाइम्स। आपके मेरी एक अगली एल्बम आ रही है, मैं एक एल्बम पे और काम कर रहा हूँ, उसके गाने लिखने शुरू कर दिए मैंने, जिसके बीच में 5 इंडियन आर्टिस्ट को फीचर कर रहा हूँ जो मेरे फेवरेट हैं, जिनको मैं ज़्यादा सुनता हूँ अपनी गाड़ी में। वो उसके अंदर 5 आर्टिस्ट हैं और एक आर्टिस्ट इंटरनेशनल होगा। इंटरनेशनल? हाँ जी, 6 गानों की एल्बम कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ। ग्रेट, आई एम श्योर आपके फैंस बहुत एक्साइटेड है और दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। ट्रैक तो ये एल्बम कब तक आएगी ये तो वो खुद टाइम आने पे बता देंगे, पर उसमें योयो हनी सिंह पाजी के साथ कोलैबोरेशन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मनिंदर भट्टर ने हमेशा से ही योयो हनी सिंह पाजी को लेकर काफी अच्छी बातें बोली हैं। किंग शब्द अगर मैं बोलूं कौन सा आर्टिस्ट आपके जहन में आता है? तो राइमिंग अच्छी होगी ना, हनी सिंह, किंग हनी सिंह। वो हमेशा से ही बोलते आए हैं कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री अगर आज इतना आगे है तो उसमें योयो हनी सिंह पाजी का बहुत बड़ा रोल है और उन्होंने काफी लोगों के लिए रास्ते खोले हैं। वो हनी पाजी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ये वाली फोटो देख के आपको समझ आ ही गया होगा। बाकी सोचो अगर ये कोलैबोरेशन होता है तो क्या होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक एंड शेयर। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।